नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का अपने YouTube चैनल कमाल यार में। मैं आपका अपना PM DNA सिंह और आज हम बात करने वाले हैं कि बायकॉट फ्रांस क्या है, क्यों फ्रांस के प्रत्येक सामान का बहिष्कार करने पर तुली हुई है प्रत्येक इस्लामिक कंट्री, एक एक मुसलमान, क्या रहा रीजन और फ्रांस के साथ कोई भी देश क्यों नहीं खड़ा, एकमात्र देश भारत ही ऐसा क्यों है जो कि फ्रांस के साथ ओपनली मित्रता दिखा रहा है, तो इसके पीछे क्या रीजन है, फ्रांस में बायकॉट क्यों चला, पूरी स्टडी हम यहाँ पे करेंगे। और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये जो टॉपिक है वो काफी यहाँ पे सेक्टर्स में आपको फायदा देके जाने वाला है, चाहे वो स्टडी में हो, चाहे वो और हो, किसी भी हो। तो यहाँ पे वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बात कुछ ऐसे हुई कि फ्रांस में बायकॉट चलने के पीछे रीजन ये रहा कि आज से लगभग 2 या 3 साल पहले एक मैगजीन थी चावली हेम्डो में एक जो स्टिकर है वो बनाया गया। स्टिकर किसका बनाया गया? पोगेम्बर साहब मोहम्मद का इस मैगजीन में स्टिकर बनाया गया और इस स्टिकर की वजह से इस मैगजीन के ऑफिस में बम ब्लास्ट हो गया। सबसे बड़ी घटना थी ये। लेकिन उसके बाद अभी 2 महीने पहले ही इसी स्टिकर को शो करा गया एक टीचर के द्वारा, तो छिछिछिया के एक लड़के ने उस टीचर का गला काट दिया। लेकिन उसके बाद जब फ्रांस के प्रेसिडेंट यानी कि जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने क्या करा, बयान दिया एक कि इस्लामिक कट्टरपंथ की वजह से इस्लाम खतरे में है। जी हाँ दोस्तों, ये बयान ही यहाँ पे इस बायकॉट फ्रांस की पूरी जड़ है। यहाँ पे जब प्रेसिडेंट ने ये बयान दिया कि इस्लामिक कट्टरपंथ के कारण ही अपने इस्लाम को खतरे में डाल रहे हैं या फिर खतरे में है, और ये सुनकर यहाँ पे आ गया तुर्की। तुर्की जो देश है वो एंटर कर गया। तुर्की के जो प्रेसिडेंट है ताइबल, उनको तो भैया मौका चाहिए था, क्योंकि हम सभी को पता है फ्रांस और तुर्की के बीच में रिलेशन बहुत समय से यहाँ पे खराब हैं, लेकिन इन दोनों का तो पर्सनल मैटर था। अब तुर्की ने इस चीज का फायदा उठाया और इस जो ये जो टॉपिक था इसको यहाँ पे धर्म से जोड़ दिया कि ये जो इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म पर बोल रहा है फ्रांस। अब इस्लाम धर्म पर बोल रहा है तो यहाँ पे हो गया विवाद खड़ा। अब विवाद खड़ा हो गया तो ताइवान तो चलो अपने काम कर रहा था, क्योंकि फ्रांस ने पहले अटैक किया था पहले तुर्की पर, तो तुर्की अब क्या कर रहा है, इस पर बदला लेना चाहेगा और ये कर रहा है। अब इसमें क्या हुआ, तुर्की ने जो किया। लेकिन अब आ गया यहाँ पे पाकिस्तान। पाकिस्तान ने कहा कि हम तुर्की के साथ हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा पाकिस्तान वाले बीच में क्यों आ गए। पाकिस्तान वाले वैसे जो उनको है ना उल्टे पंगे लेने का शौक है, तो पाकिस्तान तुर्की के साथ आके पाकिस्तान वालों ने कहा कि फ्रांस पे तो परमाणु बम गिरा देने चाहिए। अब उनको कोई पूछने वाला हो, आपके पास जितने परमाणु बम है ना उतने तो वो उसके वहां पे पता नहीं खराब हो जाते होंगे। फ्रांस अगर परमाणु बम गिराने लग गया तो आपका क्या होगा, ये सोचिए आप। ये जो पाकिस्तान वाले हैं ये सोच के कोई डिसीजन नहीं लेते, मुझे नहीं पता क्यों। अब इसी के बाद में एक बात और बताता हूँ, पाकिस्तान ने परमाणु बम गिराने का तो सिर्फ कहा। अब पाकिस्तान में एक मीटिंग हुई असेंबली में, और असेंबली में मीटिंग इसलिए हुई कि फ्रांस में हमारा जो राजदूत है उसे वापिस बुलाएंगे हम। अब देखो ये लोग अपने राजदूत को फ्रांस से वापस बुला रहे हैं। आप देख सुनते जाना, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। उन्होंने असेंबली में पाकिस्तान ने मीटिंग करी, लेकिन मीटिंग का जो डिसीजन रहा वो भी यही रहा कि चलिए बुला लेते हैं अपने जो राजदूत है उसको वापस बुलवा लेते हैं फ्रांस से। जब ये बात फ्रांस में गई भी हमारे राजदूत को आप पाकिस्तान के राजदूत को हमारे पाकिस्तान में भेज दीजिए, तो फ्रांस से पता चला कि पाकिस्तान का यहाँ पे कोई राजदूत ही नहीं है। ये साले यहाँ पे कर क्या रहे, इनको ऐसे भी पता नहीं कि आपका राजदूत फ्रांस में है कि नहीं, और बिना मतलब असेंबली में मीटिंग करते हैं, फैसला लेते हैं और फिर पता चलता है कि यहाँ पे इनका कोई राजदूत ही नहीं है। चलो बढ़िया भाई साहब, बहुत अच्छे डिसीजन लेते हो आप बिना मतलब के टाइम खराब करने में। अब यहाँ पे बात रहती है कि क्या फ्रांस को बायकॉट से फर्क पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, जो फ्रांस है उसके लिए अभी जो जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं वो एक तरफ हो चुकी है, या फिर जितने भी मुसलमान हैं वो एक तरफ हो चुके हैं, वो कह रहे हैं कि हम
फ्रांस के सामान का बहिष्कार करेंगे। तो अब बात यह रहती है कि क्या इस बायकॉट से फ्रांस को फर्क पड़ेगा? नहीं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं बात बता रहा हूँ स्टीक यहाँ पे, मैं बताना चाहूंगा कि फ्रांस का एक व्यापार है जो टोलूस शहर में है एयरलाइंस के लिए, यानी कि जहाजें वगैरह यहाँ से चलती हैं, बनाई जाती हैं, तो यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? कि इनको तो जहाज वगैरह बनानी नहीं आती। अब इनको जहाज वगैरह बनानी नहीं आती तो ये इसका तो नहीं कर रहे बायकॉट, ठीक है, इस जो व्यापार पे फ्रांस को कोई नुकसान नहीं होने वाला। अब बात रहती है इसके बाद, अगर हम बात करें बार्थों में, तो बार्थों में फ्रांस का सबसे अधिक व्यापार है शराब के लिए। जैसे आपने सुना होगा सैनपेन फ्रांस की ही है। अब सैनपेन पे असर पड़ेगा? जी नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबसे कम अगर कोई यूज करता है शराब का तो वो इस्लामिक कंट्री है। अब इस्लामिक कंट्रीज या फिर मुसलमान शराब का सेवन ही सबसे कम करते हैं, तो इस चीज पे तो असर पड़ने वाला है ही नहीं, तो इस व्यापार पे भी उनको असर नहीं पड़ेगा। इसके बाद अगर बात करें ऑटोमोबाइल्स की, अब ऑटोमोबाइल की अगर बात करें तो फ्रांस के जितने भी ऑटोमोबाइल हैं वो बहुत ज्यादा महंगे हैं। तो पहली बात, या तो कोई लेगा नहीं, और लेगा तो वहां पे भैया इतना महंगा मोबाइल लेके कोई भी इसका बहिष्कार नहीं करना चाहेगा, जिसके पास है उसका बहिष्कार तो नहीं करना चाहेगा, यानी कि इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब फर्क किस पर पड़ेगा? अनाज, यानी कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में फ्रांस अपनी ही चीजें यूज करता है और अपने ही जो भी मतलब औजार होते हैं वो बनाता है, लेकिन इसमें फर्क पड़ सकता है, क्योंकि ये इस्लामिक कंट्री को अपना जो एग्रीकल्चर के पार्ट्स होते हैं या फिर सीड्स होता है, कुछ भी होता है, उसका 3% देता है। यहाँ पे फर्क पड़ सकता है, इस व्यापार में थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, क्योंकि 3% वैसे देखा जाए तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन सबसे ज्यादा फर्क कहाँ पड़ेगा? बात रहती है सबसे ज्यादा फर्क कहां पड़ेगा, तो सबसे ज्यादा फर्क पड़ने वाला है ब्यूटी एंड लग्जरी में। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस की जो ब्यूटी एंड लग्जरी है वो यूज करी जाती है सबसे ज्यादा मिडिल क्लास इस्लाम में। मिडिल क्लास मुस्लिम होते हैं वो सबसे ज्यादा इसको यूज करते हैं। ब्यूटी एंड लग्जरी से मीन से मेरा जैसे काजल वगैरह हो गया, लिपस्टिक वगैरह हो गया, तो वहां पे फर्क पड़ने वाला है फ्रांस को। अब बात यहां पे ये रह जाती है कि भारत ने फ्रांस का साथ क्यों दिया? सबसे बड़ा मुद्दा ये है, क्योंकि भारत अगर साथ देना चाहता तो क्लोजली दे सकता था, नीचे नीचे दे सकता था, लेकिन भारत एकदम बढ़िया से सामने आया भी हम फ्रांस के साथ हैं, और जो बायकॉट फ्रांस चल रहा है वो एकदम गलत है। तो भारत इतना ओपनली क्यों कह रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। मैं आपको बताना चाहूंगा, याद दिलाना चाहूंगा, 1998 यानी कि 1998 में जब हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। जी हाँ दोस्तों, जब हमारे भारत के अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तब यहाँ पे परमाणु परीक्षण कर रहे थे हम, और उस समय हमारे साथ कोई भी देश नहीं खड़ा हुआ था। सभी कह रहे थे परमाणु परीक्षण गलत है, परमाणु परीक्षण गलत है, लेकिन फ्रांस एकमात्र देश था जिन्होंने ये कहा कि भारत अगर अपनी सुरक्षा की दृष्टि से ये परीक्षण करना चाहता है तो कर सकता है। तो बहुत बड़ा यहाँ पे एहसान है हमारे ऊपर, बहुत बड़ा एहसान है, तो यहाँ पे सहायता तो करनी बनती है। लेकिन इसके बाद और बात करें हम, इसके बाद भी और बात करें सहायता की, तो 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ दोस्तों। कारगिल के युद्ध में अगर पाकिस्तान के साथ जीत मिली तो उसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है फ्रांस को। किसको जाता है? फ्रांस को, क्योंकि वहां से सबसे ज्यादा विमान, सबसे ज्यादा परमाणु हथियार, सबसे ज्यादा जो गन्स वगैरह है वो वहां उन्होंने ही दी थी। हमारी हेल्प अगर खुल के किसी ने की थी तो फ्रांस ने की थी। अब इतने दो बड़े बड़े काम कर दिए हमारे लिए फ्रांस ने, और वैसे तो करता ही आया है, सबसे बढ़िया मित्र कोई है तो वो फ्रांस ही है। तो यहाँ पे बात सीधी सी है कि अगर अब मुश्किल की घड़ी में भारत फ्रांस का साथ नहीं दे तो फिर उससे घटिया दोस्तों कोई नहीं हो सकता। इसलिए भारत ने यहाँ पे ओपनली कहा है कि हम फ्रांस के साथ हैं, और देना भी चाहिए दोस्तों साथ। इस समय में दोस्त का साथ देना ही चाहिए, फिर कब बात आएगा कब काम यहाँ, यानी कि यहाँ पे अगर हमें कुछ ऐसे अदा कराना है अपना कर्ज कि हम दोस्त के नाते ये सहायता करें तो करनी चाहिए। अब बात रहती है कि पाकिस्तान बीच में क्यों आ रहा है, क्योंकि आपकी कोई लड़ाई नहीं थी। अगर आप बीच में आ रहे हो तो मुझे एक चीज का जवाब चाहिए कि ठीक है आप इस मैटर के अंदर बीच में आ रहे हो, ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, चीन के अंदर जो उत्तर पश्चिमी इलाका है, मैं आपके पास साथ में एक बहुत बढ़िया सी नोट करवाने वाला हूं बात, कि चीन का जो उत्तर पश्चिमी इलाका है वहां पे उग्र मुसलमान रहते हैं। उग्र मुसलमान रहते हैं कि नहीं रहते? हाँ जी हाँ, और इस बात का सभी को पता है कि उग्र मुसलमानों की संख्या लगभग 50 लाख है। 50 लाख उग्र मुसलमान चीन के अंदर रहते हैं, और 50 लाख में से 10 लाख उग्र मुसलमानों को उन्होंने जेल में बंद कर रखा है, और ये बात सभी को पता है।
ये बात सभी को पता तो पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि डर लगता है, फटती है इनकी। अब फटती है वहां पे ये नहीं जाएंगे, इसलिए मैं उनको कहना चाहूंगा कि आप माउंटेन ड्यू पियो फिर ये काम करो, माउंटेन ड्यू पियो के पिया करो ये काम हो जाएगा। क्योंकि ये हमारे है ना ऋतिक रोशन, माउंटेन ड्यू पीकर पर्वत से छलांग लगाते थे, ये क्या काम है यार, माउंटेन ड्यू पियो। ठीक है, इसके बाद मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि जो उग्र मुसलमान है उनके साथ और भी बहुत गंदे गंदे काम हो रहे हैं। क्या हो रहा है? उनको नचाया जाता है, बिना मतलब उनको नचाया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुसलमानों की जो कुरान होती है वो भी स्टीक नहीं पढ़ाई जाती वहां पे। चाइना की गवर्नमेंट ने सीधा कह रखा है कि जो करेक्शन करके हम यहाँ पे नवाज देंगे वो आपको पढ़नी होगी, जो करेक्शन होगा उसमें जो हम यहाँ पे ऐड करेंगे कुछ चीजें वो ही पढ़नी होगी, ओरिजिनल नवाज को आप नहीं पढ़ सकते। बताइए, फिर भी उनको पढ़ना पड़ता है क्योंकि वरना मार देगा चीन। ठीक है, फिर भी पाकिस्तान नहीं बोल रहा क्योंकि डर लगता है, तो माउंटेन ड्यू पियो। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें इनकी लड़कियां, उग्र मुसलमानों की लड़कियां अगर लॉन्ग कपड़े पहनती है, लॉन्ग क्लोथ्स पहनती है तो उनको काट दिया जाता है कैंची से। ये कहते हैं चाइना वाले कि हम जैसा कहेंगे उतने ही छोटे कपड़े पहनने होंगे और फिर भी पहनना पड़ता है क्योंकि भैया संख्या कम है और वो मार देंगे। फिर भी पाकिस्तान नहीं बोल रहा क्योंकि उनको डर लगता है, आप माउंटेन ड्यू पियो ना। ठीक है, अब बात यहाँ पे रहती है तो फिर यहाँ पे खिचली आ गई तो भाई साहब ये बिना मतलब का पंगा लेने आता है और ऐसी जगह पंगा लेने आता है जहां पे इनको नुकसान ना हो। ठीक है, ये बिना मतलब बोल रहा है। बात रह गई कि हमें अब फूट डालने पर भी लगा हुआ है, पाकिस्तान फूट डालने में लगा हुआ है। ये कह रहा है मुसलमानों एक हो जाओ, मुसलमानों एक हो जाओ। यार कमाल है, मुसलमानों एक हो जाओ तो यार आप उग्र मुसलमानों को बचा लो फिर एक होके। लेकिन नहीं भाई साहब, यहाँ पे ऐसा कोई मैटर ही नहीं है, मुसलमानों को उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, फिर भी बिना मतलब बवाल बना रहे ये लोग। ठीक है, अब यहाँ पे भारत को ये ऐसा क्यों कह रहा है पाकिस्तान? इसलिए कह रहा है कि ताकि मुसलमान और हिंदू के बीच में लड़ाई हो जाए और जो हिंदुस्तान है या भारत है वहां पे टुकड़े टुकड़े हो जाए, ये मकसद है इसका। तो भाई साहब मैं समझाना चाहता हूं कि यहाँ पे इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, सारे लोग भाईचारे से रहते हैं, आप बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिए और करोगे तो भी कोई फायदा नहीं होने वाला। सभी मुसलमान एजुकेटेड है, सभी हिंदू भाई एजुकेटेड है, यहाँ पे कोई किसी को ऐसी बात नहीं है कि हम मुसलमान है हम हिंदू है, वो ऐसा कोई नहीं करता, ना करने वाला। अगर कोई कर रहा है तो इस बात को सुन के ना करे, यही कहना चाहूंगा। भारत के पास बहुत बड़ा रीजन है फ्रांस को यहाँ पे साथ देने के पीछे, यही बात मैं बताने आया तो दोस्तों। और भारत के लिए एक प्लस पॉइंट भी है, अगर उग्र मुसलमानों के लिए भारत इस टाइम लीडरशिप करता है तो इससे बेटर कुछ नहीं होगा। ये कह दे कि हम तो उग्र मुसलमानों के लिए लड़ेंगे तो इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता, तो भारत के लिए प्लस पॉइंट है अगर अपनाना चाहे तो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लास्ट में मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।